तो हम अपने पिछले लेक्चर में वियोजन स्थिरांक और मोलर चालकता के मध्य संबंध को पढ़ चुके थे। हम लोगों ने यह भी पता किया कि मोलर चालकता के मान में परिवर्तन होने पर किस प्रकार से वियोजन स्थिरांक को ज्ञात किया जा सकता है। आज हमारे लिए नया आर्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव। आज हम इलेक्ट्रोड विभव को, मानक इलेक्ट्रोड विभव को, अर्धशिल को पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ने से पहले मैं एक फिगर बना देता हूं। क्या बना देते हैं कि अगर मैं कोई कुचालक पात्र ले लूं, कुचालक अर्थात जो विद्युत का सुचालक ना हो, जैसे कांच या प्लास्टिक, और कांच या प्लास्टिक के पात्र में मैं किसी धातु के रॉड को रख देता हूं। आप धातु के रॉड, धातु की छड़ या धातु की प्लेट भी कह सकते हो, और इस धातु की प्लेट को उस पात्र के अंदर रखते हुए जो धातु रखी गई है, जो धातु रखी गई है, जैसे मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि मैंने कॉपर धातु की छड़ को उस बर्तन के अंदर रखा, तो मुझे कॉपर के लवण का ही जलीय विलयन लेना होगा। कॉपर का कोई साल्ट लेंगे, तो मैंने कॉपर का एक साल्ट ले लिया जिसका नाम है CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर धातु की क्षण को लिया तो कॉपर के सल्फेट का लवण, जो भी धातु उसी का लवण, और इस लवण को क्या किया, मैंने जल में घोला, विलयन बनाया, और विलयन बनाने के पश्चात मैंने इस पात्र पर विलयन को भर दिया। ध्यान रखने वाली बात यह है, जो भी मेटल लिया जाएगा उसी मेटल के साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन हम इस पात्र में भर देंगे। जैसे ही मैं क्या देता हूं, मैं मेटल लेता हूं, उसके साल्ट का सॉल्यूशन लेता हूं, और साल्ट के सॉल्यूशन के भरने के बाद मैं उसमें जैसे ही प्लेट को डुबाता हूं, प्लेट और सॉल्यूशन दोनों के मध्य एक रिएक्शन होने लगती है, अभिक्रिया होने लगती है। अब कौन सी अभिक्रिया होने लगती है, तो इसका आंसर है दो प्रकार की अभिक्रिया हो सकती है, या तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण हो सकती है, और या तो अभिक्रिया क्या हो सकती है, अपचयन। इन दो में से कोई एक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो मैंने जैसे ही देखा सॉल्ट सॉल्यूशन पे डुबाने पर रॉड पर एक रिएक्शन होने लगती है। अब रिएक्शन के दौरान ये कॉपर की प्लेट है, हालांकि अलग प्लेटें अलग टाइप की रिएक्शन करती है, कोई ऑक्सीकरण करती है, कोई अपचयन करती है। ये केवल इसी के विषय में कहना गलत रहेगा कि केवल अपचयन करता है या केवल ऑक्सीकरण करता है, यह डिपेंड करता है उस मेटेलिक रॉड पर। तो मेटेलिक रॉड के बेसिस पर रिएक्शन करने लगता है, और मेटेलिक रॉड के रिएक्शन बेसिस पर यह रिएक्शन करता है। अगर मैं इस बात को चेक करता हूं तो अभिक्रिया के दौरान प्लेट पर कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। अगर प्लेट पर धन आवेश आ गया है तो जो सॉल्यूशन भरा है उस पर कैसा आवेश आ जाता है, ऋण आवेश। जस्ट अपोजिट, अगर प्लेट पर धन आवेश तो जो विलयन भरा है उस पर कैसा आवेश आने वाला है, ऋण आवेश। और अगर विलयन पर धन आवेश आ गया तो फिर प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। और जब इस प्रकार से प्लेट धनावेशित, विलयन ऋणावेशित, या प्लेट ऋणावेशित विलयन धनावेशित हो जाए, तो प्लेट और विलयन के मध्य अपोजिट चार्ज होने के कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दोनों में अपोजिट चार्ज रहता है, एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। फिर से मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूं, यदि किसी भी धातु की छड़ को आप उस धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबा देते हैं, तो फिर धातु की छड़ जो होती है या तो विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। इस शब्द का भी अपना अर्थ है कि विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। विलयन के सापेक्ष धनावेशित का मतलब है स्वयं धनावेशित और विलयन को ऋणावेशित कर देती है। तो जरूरी तो नहीं कि हमेशा विलयन के सापेक्ष धनावेशित ही हो रॉड, तो ऐसा भी बोल सकते हैं या तो विलयन के सापेक्ष रॉड धनावेशित हो जाती है, या विलयन के सापेक्ष रॉड कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। क्योंकि धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, अतः प्लेट और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। पूछता है क्यों विभवांतर उत्पन्न हो गया, ड्यूटी अपोजिट चार्ज, क्योंकि प्लेट पर अगर धनावेश है विलयन पर ऋणावेश होगा, अगर विलयन पर धनावेश आ गया तो फिर प्लेट पर ऋणावेश होगा। इस अपोजिट चार्ज के कारण प्लेट और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और प्लेट और विलयन के मध्य उत्पन्न हुए विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव तो हम समझ गए क्या होता है,
मुझे सबसे पहले एक काम कर लेना चाहिए कि मुझे यह चेक कर लेना चाहिए कि इलेक्ट्रोड विभव को मैं परिभाषित कैसे करूं। तो हम इलेक्ट्रोड विभव को सबसे पहले परिभाषित करते हैं। क्या मैंने जो जो बताया मैं केवल वही लिखूंगा। क्या क्या किया? यदि यदि किसी धातु की क्षण को यदि किसी धातु की क्षण को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है। मैंने डुबाया भी था रॉड को, जलीय विलयन में डुबा दिया था, डुबाया जाता है, तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य, धातु की क्षण और विलयन के मध्य, विलयन के मध्य एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने लगती है, एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने, मैं इसको कॉपर को थोड़ा सा मिटा देता हूं, होने लगती है। तो धातु के क्षण और विलयन के मध्य एक केमिकल रिएक्शन होने लगी, और उस केमिकल रिएक्शन का क्या अर्थ हुआ कि वो केमिकल रिएक्शन या तो प्लेट को धनावेशित कर देती है या तो प्लेट को ऋणावेशित कर देती है, होने लगती है, जिसके कारण धातु की प्लेट, या आप धातु की क्षण भी कह सकते हैं, धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। या तो प्लेट पर धनावेश आ जाएगा या प्लेट पर ऋणावेश आ जाएगा, और विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण, या ऐसा भी कह सकते हैं, फलस्वरूप धातु की क्षण और विलयन के मध्य मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे का मतलब इस विभवांतर को, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मैंने
इलेक्ट्रॉन विभव के विषय में पढ़ा। अगर मुझे कभी भी इलेक्ट्रॉन विभव प्राप्त करना होगा या प्राप्त करना होगा, मैं क्या करूंगा, एक धात्विक क्षण को लूंगा और उस धात्विक क्षण के लवण के जलीय विलयन को लूंगा, और धातु के क्षण को लवण के जलीय विलयन में जैसे ही डुबाएंगे, मैं क्या देखूंगा कि धातु के क्षण और विलयन के मध्य एक रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। अब रिएक्शन कौन सी स्टार्ट हुई है, तो रिएक्शन दो प्रकार की हो सकती है, या तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो सकती है या अपचयन हो सकती है। इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं में से किसी एक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्लेट और विलयन पर अपोजिट चार्ज आएगा। प्लेट और विलयन पर अपोजिट चार्ज का मतलब है या तो प्लेट धनावेशित हो गई तो फिर विलयन ऋणावेशित हो जाएगा, और विलयन धनावेशित हो गया तो फिर प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी। दोनों में अलग अलग चार्ज आ जाएगा, और इस अलग अलग चार्ज आने के कारण प्लेट और विलयन अर्थात क्षण और विलयन के मध्य एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। इस विभवांतर को ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब मैंने इलेक्ट्रोड विभव तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है और यह इलेक्ट्रोड विभव कब उत्पन्न होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा में ही मुझे कुछ चीजें और देखने को मिल सकती हैं। जैसे कॉपर धातु की छड़ को मैंने लिया था और कॉपर साल्ट के सॉल्यूशन पे डुबाया था, तो जो कॉपर साल्ट का सॉल्यूशन होगा, आप इस बात को विशेष ध्यान रखें, कॉपर साल्ट का सॉल्यूशन को आप ऐसे लिख सकते हैं CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। क्योंकि कॉपर सल्फेट को अगर मैं चेक करता हूं, ये ठोस पदार्थ होता है, हल्के ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, ठोस पदार्थ होता है, तो ठोस पदार्थ में तो आप डुबाओगे नहीं, आप उसको कैसे डुबाओगे, जब उसका क्या बना लोगे, एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन बना लोगे, तब कॉपर धातु की छड़ को डुबाओगे। और एक चीज है, अगर मुझे आप देखिए इस जगह पर, इस पूरे अर्धशिल पर मुझे कॉपर दो फॉर्म में दिखता है, दो रूपों में दिखता है। पहला रूप कॉपर का कौन सा है, जो प्लेट में है, प्लेट में उपस्थित कॉपर को आप ध्यान रखें, एक कॉपर का फॉर्म प्लेट पर है क्योंकि वो भी तांबे की बनी है, और कॉपर का एक फॉर्म सॉल्यूशन पर है, विलयन पर भी है, क्योंकि कॉपर सल्फेट को अगर विलयन पर घोलोगे, विलयन बनाओगे, तो वहां पर भी तो कॉपर है, तो मैं डिफरेंस कैसे पहचानूं कि कौन सा विलयन प्लेट वाला है, सॉरी कौन सा कॉपर प्लेट वाला है और कॉपर कौन सा है ऐसा जो विलयन वाला है, तो मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूं। हम इसको इसको पढ़ लेते हैं कि मैं कब इसे प्लेट वाला कॉपर समझूंगा और मैं कब इसे विलयन वाला कॉपर समझूंगा। तो ध्यान रखिएगा, आज अगर कभी प्लेट वाले कॉपर की बात हो, फर्स्ट नंबर पर अगर मैं प्लेट वाले कॉपर की बात करता हूं, प्लेट वाली धातु की बात करता हूं, तो प्लेट वाली धातु को हमेशा सॉलिड फॉर्म में लिखा जाता है। अगर Cu के बाद S लिखा या केवल Cu लिखा, इसका मतलब ये प्लेट वाले कॉपर की बात हो रही है। लेकिन अगर विलयन वाले कॉपर की बात की जाए, तो मैं विलयन वाले कॉपर को भी चेक कर लेता हूं कि विलयन वाला कॉपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। कॉपर कौन सा कॉपर जो विलयन पर रिप्रेजेंट है, सॉरी विलयन में उपस्थित कॉपर को Cu++। आप प्लेट वाले कॉपर को Cu से लिखोगे और विलयन वाले कॉपर को Cu++ से लिखोगे। हां, लिखने का यह भी लिखा जा सकता है Aq, क्योंकि वाटर पे डिजोल्व है, इसलिए आप Cu+ चार्ज 2 के साथ एक्वस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। अब अगर यहां पर जिंक की प्लेट होती, तो प्लेट के जिंक को मैं कैसे लिखता, Zn से, और बगल में सॉलिड का सिंबल बना देता। अगर जिंक सॉल्यूशन वाले जिंक की बात होती, मैं Zn++ और Aq लिख देता। ऐसे ही हर एक प्लेट और विलयन के नाम आप आसानी से पहचान सकते हो, क्योंकि कॉपर दो जगह प्रेजेंट था, मेरे लिए पहचानना प्रॉब्लम हो गया कि मैं कैसे से कॉपर को लिखूं। मुझे यह नहीं पता चल रहा था कि कौन सा कॉपर किस फॉर्म में लिखना चाहिए। तो आप समझते हो, प्लेट ठोस होती है इसलिए कॉपर के साइड में S, और विलयन पे कॉपर जो घुला है वो आयन फॉर्म में होगा, क्योंकि आपने पढ़ा भी है अगर साल्ट सॉल्यूशन को वाटर पे डिसॉल्व करते हो, ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, इसलिए विलयन में घुले हुए कॉपर को मैंने आयन से लिखा। तो आपको दो बातें बहुत अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए कि कॉपर अगर आपके पास दिया गया है, तो यह कॉपर कहां पर प्रेजेंट है। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि यह जरूरी है, अगर दूसरा भी मेटल कोई आ जाए, जिंक, लोहा,
कुछ भी आ जाए दूसरा मेटल, उसमें भी सेम चीज, धातु वाले को सॉलिड के साथ और विलयन वाले के साथ एक क्यू लिखना है। जैसे मेरे पास लिख के आ गया Fe डबल प्लस AQ। अब मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं सोचूंगा ये Fe की प्लेट की बात कर रहा है या Fe के साल्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा है, विलयन की बात कर रहा है। तो क्योंकि डबल प्लस AQ आयन के फॉर्म में है, आयनाइज्ड फॉर्म में है, सॉल्यूशन वाला Fe है ये। अभी अब आगे एक चीज और पढ़ते हैं, अगर विलयन ऋणावेशित, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं विलयन ऋणावेशित हो गया और कॉपर की प्लेट धनावेशित आ गई। मैं आपको एक और चीज बताऊं इसको पढ़ने से पहले, आपने सेल देखा है, सेल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रोड विद अपोजिट चार्ज। अगर आपके पास दो इलेक्ट्रोडों का कॉम्बिनेशन है, सेल में इलेक्ट्रोड नहीं जानते हो, इतनी बात तो जानते हो, सेल में दो सिरे होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्लस वाला, नेगेटिव इलेक्ट्रोड माइनस वाला। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि एक सेल को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी इलेक्ट्रोड दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट चार्ज। अगर एक पर प्लस चार्ज है तो एक पर कैसा होना चाहिए, माइनस चार्ज। मैंने जो फिगर बनाकर तैयार किया है, तो इस फिगर को अगर मैं देखता हूं, वैसे एक सेल को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रोड चाहिए, दो। अभी मैं अपनी प्लेट की बात करता हूं, तो इस प्लेट पर केवल कैसा चार्ज है, प्लस। तो ये जो प्लेट है, क्योंकि इस पे केवल एक प्रकार का चार्ज है, दूसरे प्रकार का चार्ज नहीं है। अगर दोनों प्रकार का चार्ज होता, एक प्लेट पर प्लस एक प्लेट पर माइनस, मैं इस कॉम्बिनेशन को कह देता सेल। लेकिन मेरे पास अभी केवल एक इलेक्ट्रोड अवेलेबल है, मात्र एक इलेक्ट्रोड है, वो भी कौन से आवेश वाला, धन आवेश वाला। क्योंकि धन आवेश वाला इलेक्ट्रोड अवेलेबल है, मैं इसे अर्ध सेल कह सकता हूं। भाई एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, दो। एक सेल अगर दो इलेक्ट्रोडों से बनता है, तो आप ये समझ सकते हो ये तो केवल एक इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, अर्ध सेल भी कह सकते हैं। अभी आधा सेल बना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना है, अभी आधा सेल अर्थात निगेटिव इलेक्ट्रोड वाला मेरे पास नहीं है। और एक सबसे अच्छी बात, अगर विलयन में धातु की छड़ को डुबा देंगे, तो इस धातु की छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। तो मैं इस चीज को भी यही लिख के दिखा देता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन हो गई, बात होती है इलेक्ट्रोड विभव को लिखते कैसे हैं, तो मैं इसे के आगे जोड़ देता हूं। इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। अब मेरे लिए एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, क्योंकि यह एक विभवांतर है, आप सभी जानते हैं इसका मात्रक क्या होने वाला है, वोल्ट। अब बात आती है, मुझे यह भी डिफिनेशन में लिख पढ़ लेना चाहिए, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड के विभव को तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन अभी मुझे नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है और अर्ध सेल क्या है। तो मैं आगे एक और हेडिंग डाले देता हूं कि मुझे इलेक्ट्रोड को भी नॉलेज हो जाना चाहिए और मुझे अर्ध सेल का भी नॉलेज हो जाना चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूं, सबसे पहले मुझे देख लेना चाहिए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। बाय चांस आप सब कुछ पढ़ गए, आप इलेक्ट्रोड विभव को जान गए, लेकिन आप इलेक्ट्रोड को ही नहीं जानते हो, तो इलेक्ट्रोड विभव का कोई अर्थ नहीं। तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, विलयन में डूबी हुई धातु की छड़ को, अगर कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें आप मेटेलिक रॉड को डुबा देते हो, तो उस मेटेलिक रॉड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। तो मैं यहां लिखे देता हूं, विलयन में डूबी हुई धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता
जो विलयन में ये धातु की छड़ डूबी है उसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ध्यान रखिए, ये पूरा मिलाकर इलेक्ट्रोड नहीं है, इलेक्ट्रोड केवल ये मेटेलिक रॉड जो पड़ी है इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये इलेक्ट्रोड है। ये पूरा सॉल्यूशन वगैरह भी छोड़ते हैं, अभी केवल इस रॉड की बात करते हैं। जो रॉड मैंने सॉल्यूशन पर क्या कर रखी है? डुबा रखी है, वो रॉड कहलाती है इलेक्ट्रोड। अगर मैं सब पूरे इस पूरी डिवाइस की बात करता हूं, ये पूरा सॉल्यूशन और रॉड ये सब मिलकर क्या बनाता है? इसको कहते हैं अर्धसेल, क्योंकि ये केवल एक टर्मिनल अभी प्रोड्यूस कर पा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैं इसमें भी लिख देता हूं इसमें से कि इस प्रकार से बनी धातु की छड़ को, इस प्रकार से बनी संपूर्ण युक्ति को, संपूर्ण का मतलब ये पूरा बर्तन के अंदर जो टोटल सेटअप मेरे पास रखा है, डिवाइस जो पूरी बनी रखी है, इस संपूर्ण युक्ति को अर्धसिल कहा जाता है, अर्धसिल कहा जाता है। तो मेरा अंदाजा है आप अर्धसिल समझ गए। अगर सिल क्या है? अर्धसिल पूरा डिवाइस है जो आपके साथ में सामने बनी रखी है, और इलेक्ट्रोड भी, इलेक्ट्रोड केवल वो रॉड है जो डूबी हुई है। अगर मैं किसी रॉड को किसी सॉल्यूशन पे डुबा दूं, जो कि रॉड है वो होती है इलेक्ट्रोड, और पूरा जो सेटअप बन के तैयार होता है उसको कहते हैं हम अर्ध सेल। तो मेरे लिए अर्ध सेल हो गया, इलेक्ट्रोड भी हो गया, इलेक्ट्रोड को मैंने पहचान लिया। प्लेट को में उपस्थित धातु को कैसे लिखना है, विलयन में उपस्थित धातु को कैसे लिखना है, इन चीजों को पढ़ लिया। अब बात आता है कि हमें ये दो अभिक्रियाएं पढ़ लेनी चाहिए। कौन कौन सी रिएक्शंस पर लेनी चाहिए? मैंने भी बताया था प्लेट पे जो चार्ज आया है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन पर, कि रिएक्शन ऑक्सीकरण है कि रिएक्शन अपचयन है। और रिएक्शन ऑक्सीकरण अपचयन से ही हम इस बात को पहचान सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट बनने वाली है या निगेटिव चार्ज प्लेट बनने वाली है। तो मुझे जल्दी से इस बात को पहचान लेना चाहिए कि प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज कब आता है और निगेटिव चार्ज कब आता है, या रिएक्शन कैसे होती है। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट भी कर लिया है, नहीं नोट कर लिया है तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटा देता हूं। अब मुझे दो अलग अलग इलेक्ट्रोड बनाने होंगे, और उन दोनों इलेक्ट्रोडों में से मुझे एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दिखाना होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पर मुझे अपचयन की अभिक्रिया को दिखाना होगा, ताकि मैं इस बात से समझ सकूं कि ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड पर हुआ है वो किस प्रकार का आवेश रखता है, और वो इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन हुआ है वो किस प्रकार का आवेश रखता है। इसको पहचानने के लिए मैं दो इलेक्ट्रोडों के विषय में बताता हूं। देखिए, इलेक्ट्रोडों के विषय में से अगर मैं देखूं तो मुझे दो इलेक्ट्रोड इसलिए ये वाले पहचान लेने चाहिए, कौन सा? एक जिंक इलेक्ट्रोड और एक कॉपर, क्योंकि अपने यहां जो गैल्वेनिक शेल बनेगा वो जिंक और कॉपर से ही बनेगा। तो अगर मैं इसको पहले से ही पढ़ लेता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे वहां पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, और फिर ऐसी कोई बात है तो मैं दूसरी मेटल्स के लिए भी बता दूंगा। तो मैंने दो पात्र लिए, और दोनों पात्रों को मुझे कुछ इस प्रकार से ले लेना है कि एक पात्र में मैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरूंगा। काहे का विलयन? जिंक सल्फेट ZnSO4 का क्या भर देना है? सॉल्यूशन, क्योंकि जिंक सल्फेट का विलयन भरा है, मैं एक यू लिख देता हूं। ध्यान रखिएगा, विलयन पर उपस्थित जिंक को ऐसे लिखोगे ZN डबल प्लस से, क्योंकि ये कहां पर उपस्थित है? विलयन पर अवेलेबल है। और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरते हुए मैंने इस पर जिंक की प्लेट को क्या कर दिया? डुबा दिया। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और मैंने उसमें क्या किया? जिंक की प्लेट को डुबा दिया। अब मैंने क्या किया? दूसरा विलयन लिया। दूसरा विलयन काहे का लिया? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट को वाटर पे डिसॉल्व किया, एक को सॉल्यूशन बनाया। अब मैं क्या करने वाला हूं? उस पे कॉपर की प्लेट को डुबा दूंगा और उन दोनों से एक एक वायर को बांधकर अलग कर दिया। ध्यान देखने वाली बात क्या है? अगर यह जिंक की प्लेट है
तो जिंक की प्लेट का मतलब इसमें जिंक के बहुत सारे पार्टिकल हैं। ये इसमें मैंने तो तीन ही चार जिंक बनाए, इसमें बहुत सारे जिंक के छोटे छोटे एटम अवेलेबल हैं। और क्योंकि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन मैंने यहां पर भर दिया है चारों ओर, ध्यान रखने वाली बात है जो विलयन पे जिंक का पार्टिकल है वो जेडियन के फॉर्म में नहीं है बल्कि किसके रूप में है, जेडियन डबल प्लस के फॉर्म में। मैंने बताया भी था जो विलयन पर होगा पार्टिकल, विलयन का पार्टिकल जिंक पॉजिटिव आयन के फॉर्म में है और जो जिंक प्लेट पर है वो सॉलिड के फॉर्म में। सॉलिड के फॉर्म में जिंक को लिखने के लिए केवल जेडियन लिख सकते हैं आप, और विलयन में उपस्थित जिंक को समझने के लिए आप इसको आयन के फॉर्म में लिखोगे। अब मैं उसकी बात कर लेता हूं, कॉपर की जो बेटा प्लेट होगी इसका फॉर्मूला तो केवल Cu, लेकिन जो कॉपर सॉल्यूशन पे घुला हुआ है इसके फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं Cu डबल प्लस, क्योंकि विलयन पर है डबल प्लस के फॉर्म में गया। अभी मैं क्या बात करता हूं कि सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि अभिक्रिया अगर ऑक्सीकरण हुई तो उस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान प्लेट पर कैसा चार्ज आएगा। चेक करते हैं, देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, जिंक काफी रिएक्टिव मेटल है विद रिस्पेक्ट टू कॉपर। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और जिंक करता क्या है, जिंक जैसे ही साल्ट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, मैंने कहा भी था प्लेट विलयन से क्या करने लगेगी अभिक्रिया, और विलयन से कैसे अभिक्रिया करती है, जिंक के जो मेटल के पार्टिकल है ये धीरे धीरे छूट छूट कर कहां जाने लगते हैं, विलयन में। अभी मैं क्या चेक करता हूं कि क्योंकि प्लेट के पार्टिकल विलयन पर जा रहे हैं, अभी आपको चेक करना है आपको प्लेट का जिंक विलयन पर ले जाना है। ध्यान रखें, देखो इसकी रिएक्शन कैसे लिखी जाए, अगर जिंक पहले कहां था, प्लेट पर था, अभी ध्यान रखने वाले जिंक प्लेट पर था तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूं, ZnS से। फिर जिंक प्लेट से निकल गया, और प्लेट से निकल गया क्या करते हुए, जैसे ही प्लेट से निकलकर सॉल्यूशन पे पहुंचा, सॉल्यूशन पर जिंक किस फॉर्म में हो गया, डबल प्लस की फॉर्म में, क्योंकि प्लेट पर था सॉलिड फॉर्म में था, सॉल्यूशन पे गया डबल प्लस फॉर्म में हो गया। हां आप चाहे तो इसके ब्रैकेट के अंदर एक यू को भी लिख सकते हैं कि यह जिंक कहां पर भुला है, सॉल्यूशन के फॉर्म में बना हुआ है। हां अभी आप इस बात को सोचे, Zn जब Zn डबल प्लस के फॉर्म में आया होगा तो पहले Zn के फॉर्म में था बाद में Zn प्लस के फॉर्म में हो गया, अर्थात जिंक प्लेट से विलयन तक जब पहुंचा उसने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया था, उसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और दो इलेक्ट्रॉन जब त्यागे तो वो प्लेट से निकलकर कहां पर चला गया, सॉल्यूशन में। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं अगर जिंक का पार्टिकल प्लेट से सॉल्यूशन पर जाता है उसे दो इलेक्ट्रॉन त्यागने होते हैं, और आप सब लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो मैं पूरा तो नहीं लिखता हूं लेकिन मैं इसमें ऐसा लिखे देता हूं, क्या लिखे देता हूं कि यह रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, ऑक्सीकरण है। क्यों ऑक्सीकरण है, क्योंकि जब जिंक का पार्टिकल प्लेट से सॉल्यूशन पर जाता है वो दो इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। अब मैं दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हुए वो सॉल्यूशन पे चला गया, सोचने वाली बात है, अभी जिंक पर कोई आवेश नहीं था, सॉल्यूशन पे जैसे ही पहुंचा तो सॉल्यूशन पर पहुंचने पर जिंक पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस, अर्थात सॉल्यूशन पर प्लस चार्ज आना स्टार्ट हुआ, सॉल्यूशन पर धन आवेश पहुंचना स्टार्ट हुआ, सॉल्यूशन पर धन आवेश पहुंचना स्टार्ट हुआ। लेकिन आप भूल रहे होंगे दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने त्यागे थे, मैं बैलेंस करने के लिए इधर दो इलेक्ट्रॉन्स को लिखे देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां गए होंगे, जो जेडियन था वो तो निकल गया, पहले जेडियन प्लेट से निकल गया सॉल्यूशन पर, लेकिन अपने दो इलेक्ट्रॉन थे वो प्लेट पर ही छोड़कर चला गया। अगर वो दो इलेक्ट्रॉन प्लेट पर छोड़कर चला जाएगा तो जेडियन मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि ये जेडियन निकलकर कहां चला गया, सॉल्यूशन पे, और अपने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, मैं पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिखता हूं, मैंने केवल ऋण चार्ज बना दिए। अब जब ये जिंक भी प्लेट से छोड़कर विलयन पर जाएगा, ये भी दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को प्लेट पर छोड़कर चला जाएगा। अब मैं ऊपर वाले जिंक की बात करता हूं, ये भी जब विलयन पर जाएगा, प्लेट से छूटा विलयन पर गया, इसने भी दो इलेक्ट्रॉन त्यागे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहां पर छोड़ दिया, प्लेट पर छोड़ दिया। आप समझते रहे कि जैसे ही जिंक प्लेट से विलयन पर जाता रहा उसने सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां पर भेज दिया, विलयन पर, और प्लेट को कैसा चार्ज दिया, निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो प्लेट पर ही छोड़ता रहा। कुछ समय बाद मुझे देखने को मिला जो हमारी प्लेट थी वो टोटल निगेटिव चार्ज से भर के रह गई है।
अर्थात इस दशा में हमारी प्लेट जो है वो निगेटिव चार्ज टर्मिनल बन गई है, निगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया है। ध्यान रखने वाली बात है, निगेटिव इलेक्ट्रोड कब बनता है, जब पदार्थ का या प्लेट में उपस्थित धातु का क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब मैं चलता हूं कॉपर की प्लेट पर, क्या हुआ होगा। अब कॉपर की प्लेट को मैं अगर चेक करता हूं तो इसमें भी सेम चीज है, सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो आयन के फॉर्म में है, प्लेट पर जो कॉपर है, मैं प्लेट को और थोड़ा सा चौड़ा बना दूं ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़ जाए, ये प्लेट है। अब हुआ क्या, प्लेट में भी कॉपर है, सॉल्यूशन पे भी कॉपर है, लेकिन मुझे यहां अभिक्रिया विपरीत करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि अगर मैं दोनों में ऑक्सीकरण कर दूंगा तो दोनों निगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। निगेटिव इलेक्ट्रोड अर्थात ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड को हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या रिडक्शन वाले इलेक्ट्रोड को हमें पढ़ना है, तो मुझे वहां अभिक्रिया विपरीत दिखानी होगी। वहां क्या होता है, यहां पार्टिकल जिंक से छूटकर प्लेट से छूटकर सॉल्यूशन पे जा रहा था, लेकिन अब मुझे वहां उल्टा करना होगा, सॉल्यूशन से पार्टिकल प्लेट पे जाएगा। तो मैं देखो कैसे चेक करता हूं, मेरा अभी पार्टिकल जो कॉपर का आयन है, सॉल्यूशन वाला पार्टिकल मुझे पहले ले लेना है। वहां मैंने पहले प्लेट के जिंक को लिया था, प्लेट के मेटल को लिया था, अब मुझे यहां सॉल्यूशन के मेटल आयन को पहले लेना है। इसमें क्या होता है कि कॉपर का जो डबल प्लस चार्ज आयन होता है ये जाता है कॉपर की प्लेट पर। अभी सोचो Cu डबल प्लस अगर प्लेट पर चिपकेगा तो अपने आप को चेंज कर लेगा काहे में, Cu सॉलिड में। अगर भाई देखो फिर सॉल्यूशन में है तो डबल प्लस, अगर प्लेट में चिपक गया तो सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि प्लेट के कॉपर को आप सॉलिड से लिखते थे। अब प्रॉब्लम इस बात की आती है कि क्या कॉपर आयन डायरेक्ट प्लेट पर चिपक गया, हो गया रिएक्शन, नहीं। देखिए अभी कॉपर डबल प्लस का मतलब है कॉपर ने विलयन में होने के दौरान दो इलेक्ट्रॉन त्याग रखे थे। अगर कॉपर ने विलयन पर दो इलेक्ट्रॉन त्याग रखे थे इसका मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉनों की क्या थी, कमी। अगर दो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी तो कॉपर जब प्लेट पर पहुंचेगा तो वो प्लेट से दो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और अपनी कमी को क्या करेगा, पूरा करेगा। कॉपर गया प्लेट पर पहुंचा, प्लेट ने कॉपर के आयन को दो इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर के आयन को जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन दिए तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनों की जो भूख थी, जो कमी थी, वो खत्म हो गई और कॉपर तुरंत ही प्लेट पर चिपक गया इन द सॉलिड फॉर्म। लेकिन अभी सोचने वाली बात है, वो जो दो इलेक्ट्रॉन कॉपर को मिले वो दिए किसने, तो वो कॉपर को दो इलेक्ट्रॉन दिए प्लेट ने। अगर प्लेट ने कॉपर को दो इलेक्ट्रॉन दिए, सोचने वाली बात है, प्लेट ने कॉपर को दो इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लेट पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी, क्योंकि प्लेट इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है और प्लेट इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है तो धीरे धीरे प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी। और जब प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस चार्ज से। अभी कॉपर के आयन पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो कॉपर आयन पर प्लस चार्ज लगा था, अब कॉपर आयन को बैलेंस करने के लिए प्लेट ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन को दे दिए तो प्लेट पर हो गई इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने का मतलब है प्लेट पर कैसा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। अभी मैं एक और आगे बात कर लेता हूं कि कॉपर आयन जब प्लेट पर आया, प्लेट ने उसको दो इलेक्ट्रॉन दिए, अर्थात इस कॉपर आयन को प्लेट के द्वारा दिए गए कितने इलेक्ट्रॉन मिले, दो इलेक्ट्रॉन मिले। तो मैंने लिखा कॉपर आयन प्लस प्लेट के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को लिया इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो गई और यह सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है आयन्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रक्रिया थी ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया हो गई अपचयन। तो मैं यहां लिखे देता हूं कि यह अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन, या इसको रिडक्शन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब इलेक्ट्रोड्स पर अलग अलग प्रकार का चार्ज आता है। मैं सिंपल मेथड पे अगर ध्यान देना चाहूं तो मैं आसानी से पहचान सकता हूं कि जिस पर ऑक्सीकरण हुआ वो निगेटिव चार्ज प्लेट बनकर तैयार होगा और जिस पर अपचयन हुआ वो पॉजिटिव प्लेट बनकर तैयार होगा। ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीकरण में जो मेटेलिक पार्टिकल है वो धातु से छूटकर विलयन में जाते हैं और अपचयन की अभिक्रिया में
जो आयन है वो विलयन से छूटकर कहां जाते हैं, धातु में। अब एक और चीज को मुझे पढ़ लेना चाहिए, आखिर हम कैसे पहचाने या आखिर इसके अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है कि इसके पार्टिकल चले गए सॉल्यूशन में और उसका पार्टिकल आ गया मेटल पर, उस धातु की क्षण पर। यह भी चीज हमें पहचान लेना चाहिए, आखिर कौन सा ऐसा अंतर इंटरेक्शन होता है, कौन सी ऐसी अंदर रिएक्शन होती है जिससे पार्टिकल एक निश्चित दिशा में ही जाता है, या तो वो प्लेट से छूटकर सीधे सॉल्यूशन में जाएगा या सॉल्यूशन से छूटकर सीधे प्लेट में जाएगा। तो मैं इस चीज को हटा देता हूं, आपको अगर इंफॉर्मेशन रखना हो आप इस बात को रख सकते हो, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जब पार्टिकल मेटल रॉड से छूटकर सॉल्यूशन में चला जाता है या सॉल्यूशन से निकलकर मेटल रॉड में चला जाता है। तो ये बेटा डिपेंड करता है दो प्रकार के प्रेशर पर। कैसे प्रेशर पर डिपेंड करता है, मैं बताता हूं। एक बड़ा सा पात्र के जरिए, और इस बड़े से पात्र में मेटेलिक रॉड भी मैं बड़ी सी डालूंगा, यह बड़ी सी मेटेलिक रॉड है। अब मैंने इसके चारों ओर क्या भर दिया है, सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन बना रखा है थोड़ा सा, कि मैंने इसके चारों ओर सॉल्यूशन भर रखा है। अभी मैं क्या सोचता हूं, मेटल के रॉड को मैं कहे से नाम दे देता हूं, एम से, क्योंकि रॉड है ठोस अवस्था पे होगी, सॉलिड लिखे देता हूं। और जो विलयन, अब देखो सोचिए, जो मेटल है, अगर कॉपर मेटल होती थी तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक मेटल होती थी जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, आयरन की मेटल होती आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, वैसे ही अगर एम नाम का मेटल है तो एम नाम के मेटल के लिए एम मेटल के ही किसी सॉल्ट सॉल्यूशन को लिया जाएगा, और जब सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए लिया जाएगा तो प्लेट के मेटल को मैंने एम से लिखा है और लिक्विड या सॉल्यूशन के मेटल को मैं कैसे लिखूंगा, एम प्लस चार्ज से। अब पता नहीं कितना प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि कोई मेटल एक प्लस चार्ज रखता है, कोई मेटल दो प्लस चार्ज रखता है, कोई मेटल तीन प्लस चार्ज रखता है। अब मैं कितना प्लस चार्ज रखूं, तो मैंने लिख रखा है एन प्लस चार्ज। एन का मतलब एक भी प्लस चार्ज हो सकता है, दो भी प्लस चार्ज हो सकता है, तीन भी प्लस चार्ज हो सकता है। प्लस चार्ज को देखते ही मैं समझ गया ये मेटल कहां पर अवेलेबल है, सॉल्यूशन पर, और इसमें सॉलिड लिखा होने का मतलब मैं समझ गया ये कहां पर है, प्लेट पर। अब दोनों चीजों में आपने सुना होगा मेटल सॉलिड होती है, और सॉलिड अवस्था में पार्टिकल जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते, लेकिन वाइब्रेट तो कर सकते हैं। तो वाइब्रेट कर सकने में दो चीजों पर दाब लगता है, कैसा, एक मेटल का जो अंदर का पार्टिकल है ये मेटल की सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करता है, जो मेटल का पार्टिकल है एम है ये सरफेस पर एक क्या लगाता है, प्रेशर, सरफेस पर प्रेशर लगाता है ताकि वो सरफेस से निकलकर कहां चला जाए, सॉल्यूशन में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले धातु के टुकड़े या धातु के परमाणविक कण मेटल की सरफेस पर एक ऐसा प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो चाहते हैं कि वो इस प्रेशर को अप्लाई करते हुए धातु की सरफेस से निकलकर कहां पर चले जाएं, सॉल्यूशन पे चले जाएं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, पहला जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है जिसे मैं P1 का नाम दे सकता हूं, P1 प्रेशर कहां है, प्लेट में उपस्थित धातु परमाणुओं द्वारा धातु की सतह पर लगाया गया दाब। आप इस प्रेशर को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखें, क्योंकि ये जो प्रेशर होगा यही आपको ये बताएगा कि मेटल कब पॉजिटिव चार्ज बना रहा है या कब रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीकरण की और कब रिएक्शन कर रहा है अपचयन की। तो पहला P1 प्रेशर कब है, जो प्लेट में उपस्थित धातु के कण है वो प्लेट की सतह पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ताकि अगर वो प्रेशर अप्लाई होता रहे तो प्लेट के पार्टिकल जो है ये विलयन, प्लेट से छूटकर कहां पर चले जाएं, विलयन पर चले जाएं। ये पहला प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। आप इस प्रेशर को ध्यान रखिए, हमने इसका नाम क्या दिया, P1। P1 वो प्रेशर है मेटल पार्टिकल सोल्यूशन में जाने के लिए जितना प्रेशर लगा रहे हैं। एंड अदर, एक और प्रेशर है मेरे पास जिसको हम कहे के नाम से देने वाले हैं, नाम देने वाले हैं P2। ये P2 क्या है, अगर मेटल का पार्टिकल
आयन्स के फॉर्म में सॉल्यूशन पर है, विलयन पर है, तो वो आयन भी तो एक प्रेशर लगा रहा होगा कहां पर आने के लिए, प्लेट के अंदर पहुंचने के लिए। तो विलयन का आयन प्लेट में पहुंचने के लिए भी मेटल की सरफेस पर एक क्या अप्लाई करता है, प्रेशर, जिसको क्या कहते हैं, मेटल आयनों का परासरण दाब। क्योंकि मेटल का आयन है उस हिसाब में, तो अगर मेटल का सॉल्यूशन है, ये हो गया विलायक, ये हो गया प्लेट, हो गई विलय, और विलायक का पार्टिकल अगर इस सरफेस को पार करके विलय के अंदर आता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते थे, परासरण दाब। अब परासरण दाब में कौन जिम्मेदार है, धातु का आयन जो विलयन में उपस्थित है वो कहां रहा है, प्लेट में। तो मैं एक लिखता हूं, विलयन के धातु आयनों का प्लेट की सतह पर परासरण दाब। अब मैं इस चीज को, दोनों प्रेशर को अगर कंपेयर करता हूं, पहला प्रेशर P1 जो मेटल लग के पार्टिकल लगा रहे हैं प्लेट से बाहर जाने के लिए, और दूसरा प्रेशर P2 जो मेटल के आयन प्रेशर लगा रहे हैं धातु के अंदर आने के लिए। मैं तीन सिचुएशन देता हूं। फर्स्ट सिचुएशन मेरे लिए क्या है, P1 = P2, अर्थात जितना धातु के पार्टिकल बाहर जाने के लिए प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, विलयन के पार्टिकल उतना ही प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं अंदर की ओर आने के लिए, क्योंकि बाहर जाने वाले पार्टिकल्स का प्रेशर और अंदर जाने वाले पार्टिकल का प्रेशर सेम है, इसलिए ना तो कोई पार्टिकल प्लेट से छूटकर बाहर जा पाएगा और ना कोई बाहर उपस्थित पार्टिकल प्लेट पर आ पाएगा। जब कोई पार्टिकल बाहर नहीं जा रहा, ना कोई पार्टिकल अंदर नहीं जा रहा है, तो आप इसको कह सकते हो कि कोई भी अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही है। और जब कोई भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, तो आप समझें, जब अभिक्रिया नहीं हुई तो कोई चार्ज नहीं आया, जब कोई चार्ज नहीं आया तो ये इलेक्ट्रोड नहीं है। व्हेन P1 = P2, तो प्लेट पर किसी भी प्रकार का चार्ज आने वाला नहीं, क्योंकि अब प्लेट से बाहर जाने वाले पार्टिकल प्लेट से अंदर आने वाले पार्टिकल बराबर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ना कोई बाहर जा पा रहा ना कोई अंदर जा पा रहा है, किसी भी प्रकार के चार्ज का, आवेश का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं है, केवल धातु की छड़ें, इलेक्ट्रोड इसे नहीं कहते। अगर मैं सेकेंड पार्ट पर इसी चीज को चेक करता हूं, P1 = P2 कि P1 वाला प्रेशर ज्यादा है, P1 मैं चेक करता हूं, P1 कौन सा प्रेशर था, धातु के पार्टिकल्स का बाहर जाने का प्रेशर। सोचो धातु का पार्टिकल अगर बाहर जाने लगेगा, आप सोचो, आप जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ चुके थे, अगर धातु का पार्टिकल बाहर जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि वो प्लेट से काहे में जा रहा है, विलयन में, और जब प्लेट से विलयन पर जाता था वो अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता था प्लेट पर, अर्थात उस समय इलेक्ट्रोड बनेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड बनेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड बनेगा। अब मैं थर्ड सिचुएशन की बात अगर कर लेता हूं इस जगह पर, तो तीसरी सिचुएशन क्या है, P1 is less than P2। अब मैं P1 is less than P2 की बात करता हूं, P1 क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, P1 है ये प्रेशर धातु की छड़ का, या धातु की छड़ पे जो परमाणु है वो बाहर जाने का प्रेशर। P2 क्या है, आयन का अंदर की ओर आने का प्रेशर। अभी सोचो कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P2 ज्यादा है, P2 ज्यादा प्रेशर है, तो जो आयन अवेलेबल हैं विलयन पर, ज्यादा प्रेशर है, ये कहां पर आने लगेंगे, धीरे धीरे प्लेट पर आने लगेंगे। अगर विलयन में उपस्थित आयन प्लेट पर आता है, आप समझ चुके थे, विलयन में अगर उपस्थित आयन प्लेट पर आता था, यह अभिक्रिया थी अपचयन। और तुम्हें यह भी याद होगा कि उस समय मेटल आयन जब प्लेट पर आता था, तो मेटल आयन प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉनों की डिमांड करता था, और जैसे ही प्लेट मेटल आयन को वो इलेक्ट्रॉन देती थी, प्लेट पर कैसा आवेश आ जाता था, धन आवेश, और इस प्रकार से बनकर तैयार होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो प्रेशर की सिचुएशंस आपको पता है, आप आसानी से समझ सकते हो P1 क्या है, P2 क्या है, प्रेशर कब कितना ज्यादा अप्लाई होगा, या प्रेशर की अमाउंट क्या रहेगी तो ऑक्सीकरण होगा, और प्रेशर की अमाउंट क्या रहेगी तो अपचयन होगा। हां मैं यह भी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं,
कि अगर निगेटिव प्लेट बनी है अर्थात अभिक्रिया का प्रकार क्या रहा है, ऑक्सीकरण, और पॉजिटिव प्लेट का मतलब है अभिक्रिया का प्रकार क्या है, रिडक्शन। आप इस चीज को भी बहुत अच्छे तरह से पहचान सकते हो। तो आप प्लेट पर कैसा चार्ज आया है, किस प्रकार का चार्ज नहीं आया है, इसको इस माध्यम में आसानी से पहचान सकते हो। जिस भी पार्टिकल का प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा वही पार्टिकल मूव कर सकता है। दूसरी ओर अगर मेटल के टुकड़ों का पार्टिकल ज्यादा रहा तो वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, अगर आयंस का सॉल्यूशन में उपस्थित आयन का प्रेशर ज्यादा रहा तो वो मेटल की प्लेट पर आ जाएंगे। तो ये तो हो गई प्रेशर वाली बात। अब मैं इसको हटा देता हूं, अब हम बात करेंगे इस बात की भी कि जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है। बाय चांस आपने किसी भी इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन पे डुबाया और सॉल्यूशन पर इलेक्ट्रोड का विभव कुछ प्राप्त हुआ, मैंने माना कोई भी मान प्राप्त हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रोड का विभव है ये क्या पूरी जिंदगी इतना ही रहने वाला है, या इलेक्ट्रोड का विभव कभी चेंज भी होगा किसी परिस्थिति पर। तो मुझे चेक करना है कि जो इलेक्ट्रोड का विभव आता है, ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है, ये वोल्टेज किन 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 बातों पर डिपेंड करता है। तो मैं इसको लिखता हूं, चेक करता हूं कि वोल्टेज किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो मैं यहां लिखूंगा क्या, इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता, आखिर इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कुल किन चीजों पर डिपेंड करता है, आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम चेंज करके इलेक्ट्रोड विभव के मान को भी परिवर्तित कर सकते हैं। एक एक को स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट नंबर पर अगर मुझे इलेक्ट्रोड विभव के मान को पता करना है तो इलेक्ट्रोड विभव का नाम पता मान निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर। पहली चीज, हर एक मेटल, जैसे ही आप मेटल चेंज कर दो, लोहे की जगह पर जिंक लाओगे आप देखोगे इलेक्ट्रोड विभव चेंज हो गया है, आप जिंक की जगह पर कॉपर लोगे इलेक्ट्रोड चेंज हो गया है, आप कॉपर की जगह पर सिल्वर लाओगे इलेक्ट्रोड विभव चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही आप मेटल को चेंज कर देते हो वैसे ही मैं देखता हूं इलेक्ट्रोड विभव बदल जाता है। अब धातु की प्रकृति अर्थात मैं समझ गया कि वैसे मैं मेटल को बदल दूंगा, एक मेटल की जगह पर दूसरी मेटल रख देता हूं इलेक्ट्रोड विभव चेंज हो जाएगा, उसका भी रीजन है। देखिए आप इस बात को जानते हो कि हर एक जो धातु होती है किसी की धातु की इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता कम और किसी धातु के इलेक्ट्रॉन के त्यागने की क्षमता अधिक होती है। कोई धातु शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है तो कोई ऐसी धातु है जो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को त्यागती नहीं है। देखिए यह कहना तो गलत होगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, क्योंकि धातुओं का नेचर है इलेक्ट्रॉन त्यागना। कोई धातु जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और कोई धातु जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं त्यागती है। तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से त्यागने और जल्दी से न त्यागने के आधार पर इलेक्ट्रॉन विभव का मान चेंज होता है। इसलिए अगर आप एक बार मेटल को चेंज कर देते हो इलेक्ट्रॉन विभव का मान भी बदल जाता है। अगर मैं सेकेंड नंबर पर चेक करता हूं क्या इलेक्ट्रॉन विभव का मान केवल धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो नहीं, विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता अभी आपने देखा था, आपने एक विलयन बनाकर रॉड को डुबाया था, तो रॉड को काहे में डुबाया था, सॉल्यूशन पर, वो विलयन अगर है तो उसकी कुछ सांद्रता भी होगी, तो इलेक्ट्रॉन विभव उस विलयन की काहे पर डिपेंड करता है, सांद्रता पर भी कि विलयन की सांद्रता कितनी है। अच्छा, सांद्रता पर इसलिए भी डिपेंड कर देगा क्योंकि सांद्रता ही आयन को प्रोड्यूस करता है, सांद्रता ज्यादा होगी ज्यादा आयन प्रोड्यूस, सांद्रता कम हुई आयन कम प्रोड्यूस हुए, तो सांद्रता पर भी डिपेंड करता है इस बात को इलेक्ट्रोड विभव की सांद्रता क्या है। मैं थर्ड नंबर पर अगर चलता हूं कि तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रोड विभव किन बातों पर निर्भर करता है, तो मुझे एक और चीज मिलती है, क्या मिलती है, ताप तथा दाब पर। ताप और दाब क्या है, अगर आप अपने इलेक्ट्रोड के टेम्परेचर को चेंज कर देते हो
या इलेक्ट्रोड पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब को चेंज कर देता। अब इलेक्ट्रोड पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब क्या है, मैं इसको देखो बनाता हूं। फिर से मैंने वही फिगर बनाया, रॉड ले लिया, सॉल्यूशन को भर दिया। अभी आप देखते हो सॉल्यूशन को चाहे जहां रखोगे वायुमंडलीय दाब उस पर क्या होता रहता है, आरोपित होता रहा। बाहर की एयर द्वारा सरफेस पर, द्रव की सरफेस पर कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई होता रहता है। तो इस प्रेशर की अमाउंट पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन व्यव, और इलेक्ट्रॉन व्यव किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी, कि टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन व्यव डिपेंड करता है तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन व्यव के अच्छे रिजल्ट के लिए टेम्परेचर की वैल्यू को फिक्स रखना होगा। आप जानते हो मोबाइल की बैटरी, आप जब इसको चलाते रहते हो ज्यादा हीट हो जाता है, और ज्यादा हीट हो जाने पर आपके सेल में जो इलेक्ट्रोड लगे, आपके मोबाइल में जो बैटरी लगी है, उसके इलेक्ट्रोड का विभव क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। और इलेक्ट्रोड का यह विभव जो होता है ये मोबाइल में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर। तो यह हो गई जानकारी आज इलेक्ट्रोड विभव पर। इलेक्ट्रोड विभव के अतिरिक्त जो भी हमारे पास और जानकारी बची है, जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो मैं इन इलेक्ट्रोड्स को या इन इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ लूंगा। लेकिन पहले आज इसको तैयार करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे जब मिलेंगे तो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव, इन दो आर्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी की पढ़ाई नेक्स्ट लेक्चर पर करते हैं। धन्यवाद।